वाहेगुरु जी का खालसा फतेह। सत श्री अकाल, नमो बधाए, जीवनवाद साथियो, अस्सलाम वालेकुम साथियो। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो आप साथ सभी साथियों, आप सभी जानते हैं कि नौटंकी बाजों ने एक नौटंकी किए है जो लाल किले के ऊपर, और वहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े भाषण हुए हैं। तो गुरु नानक साहब की बाणी है कि वो कहते हैं कि सच की बाणी नानक आखे सच सुनाई सी सच की बेला, कि सच वही है जो वक्त के हिसाब से सुना दिया जाए, और जो कर वक्त के हिसाब से सच ना सुनाया जाए तो सच की कोई कीमत नहीं होती। तो मोदी और योगी और ये जो नौटंकीबाज हैं, ये आरएसएस की जो रणनीति है वो होती है साम दाम दंड भेद। तो ये जो साम दाम दंड भेद हैं, इन्होंने चारों तीन हथियार तो अपना लिए, अब तीसरा जो चौथा हथियार होता है उसका भेद का, तो ये नौटंकीबाजों ने भेद पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मोदी जो है एक नंबर का, ये जो नौटंकीबाज है, मतलब ये तो आप सभी जानते हैं झूठा, एक नंबर का झूठ बोलने वाला आदमी है। आदमी भी कहना में शर्म आती है इसको, आदमी का मतलब आदमी तो नहीं है ये, शैतान कह सकते हैं इसको, क्योंकि गुरु नानक साहब कहते हैं कि भई जो है ऐसे ऐसे शैतान है, अगद पड़े शैतान भी ला लो, तो शैतान कह सकते हैं इनको। तो इन लोगों ने क्या किया, अभी बहुत सारी बातें सामने रखे सिखों की और इनकी ब्राह्मणों की, ब्राह्मण की कह सकते हैं, इनकी दुश्मनी पहले से चली आ रही है, दुश्मनी नहीं है, मतलब विचार मिलती नहीं है। ये कई बार उसको मतलब झुठलाने की कोशिश करते हैं, मतलब ब्राह्मणवाद मुसलमानों को थोपने की कोशिश करते हैं मुसलमानों के ऊपर, कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने वैसा किया, ऐसा इनके साथ में बात करते हैं। लेकिन जो है सिखों के साथ में मुसलमानों की दोस्ती शुरू से ही है। गुरु नानक साहब में भाई मर्दाना जी रहे हैं, और गुरु अर्जन साहब ने पांचवे पातशाह ने भाई साई मियां मीर से जो हरिमंदर साहब उसकी नींव पत्थर रखवाया था, और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में वो पीर बुद्धू शाह ने साथ दिया है। 14 जंग लड़ी हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिनमें से 12 जंग हिंदू राजाओं के साथ में लड़ी है, और 2 जंग लड़ी हैं इन्होंने मुसलमानों के साथ जो राजे थे, वो भी एक साथ जो हिंदू थे उसमें साथ इकट्ठे थे, जो इनके पूर्वज थे मोदी के और योगी के। तो अभी जो भाषणबाजी इन्होंने छोड़ी है वहाँ पर जो है, मतलब ऐसा लग रहा होगा सिखों को भी, बहुत सारे सिखों को ऐसा लगा होगा भाई ये बहुत बड़े हितेशी हैं सिखों के, और इन्होंने सिखों को मतलब भरवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ इन्हें बढ़ाने चक्कर में लगे हैं। लेकिन इनकी ये चाल नहीं चलेगी, क्योंकि सिख चारों तरफ बैठे हैं, सावधान हैं, और मुसलमान भी सावधान, ऐसे नहीं है कि इनकी ये सोच रहे कि इनकी वजह से बेवकूफ़ बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि इनके जो नौटंकी बाजों के साथ में जो है नौटंकी करते हैं, इनसे सावधान रखने की कोशिश करेंगे। अभी एक नौटंकी बाज है, सबसे बड़ा इसकी मोदी की बात करेंगे, मोदी ने क्या बोला वहाँ पर, तो थोड़ा थोड़ा हम इसका सुनाएंगे क्या क्या बोला आज, फिर उसमें हम टिप्पणी भी देंगे, सुनिए क्या कहता है। गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण से ही सभी सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती है। मतलब गुरु तेग बहादुर जी के सिमरन से सभी सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती है। प्रकट उसके अंदर होती है जिसके अंदर सच होता है, जिसके अंदर झूठी झूठ भरा हो, जिसके अंदर मक्कारी भरी हो, उसके अंदर कहाँ से प्रकट हो जाएंगे। तो ये मक्कार आदमी बोल रहा है कि वो तो ठीक है सिमरन तो उनको मिल जाता है फायदा, लेकिन उसको मिलता है जो सुधर जाए, उसको मिलता है, ये मक्कारी दिखाने उसको नहीं मिलता है। तो आगे सुनिए क्या कहते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व था, वैसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। साथियों, यहाँ लाल किले के पास यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहब भी है। ये पवित्र गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए, ये महान संस्कृति का मतलब है हिंदू संस्कृति की बात करते हैं ये, जबकि गुरु तेग बहादुर जी की जो शहीदी है वो मानवता की रक्षा के लिए है, और हिंदू धर्म के बचाने के लिए नहीं किया उन्होंने, तो मजलूमों के बचाने, मजलूम थे जिनके उनकी रक्षा के लिए उन्होंने शहादत दी है। तो ये अपने खाते में घसीटने की कोशिश करते हैं उसको। अगर आज जो है मतलब हिंदू बहुत सारे कहते हैं कि हिंद की चादर, ऐसा बोलते हैं गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, ये गलत चीज़ है। उन्हें
किसी कवि ने लिखा कि गुरु तेग बहादुर श्रेष्ठ की मतलब ढकी चादर, इस तरह का शब्द है वो लफ्ज है उनके, कि उन्होंने जो है कि जो उनके श्रेष्ठ के ऊपर उनकी एक शहादत की चादर है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो सुनिए आगे क्या कहते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था, उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। ये बात बिल्कुल सही बोली है ना, कि मजहबी कट्टरवर्ता की मतलब आंधी आ रखी थी जिस वक्त, जैसे आज आंधी आ रखी है कट्टरता की ऐसे ही पहले थी, पर वो राजे भी ऐसे ही थे जो जो औरंगजेब की बात कर रहे हैं, औरंगजेब भी उन्होंने अपने बाप को नहीं बख्शा है, उन्होंने अपने भाई को नहीं बख्शा है, ऐसे ये हैं उस वक्त भी कट्टरता। ये बात सही है कि उस वक्त भी कट्टरता ऐसी आई थी, लेकिन ये बोल रहा है कि आज नहीं है कट्टरता ऐसी, आज भी कट्टरता वैसी ही आ रही है जैसी पहले थी 400 साल पहले। सुनिए क्या कहते हैं। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्म सोच का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। अभी ऐसा लग रहा होगा लोगों को, बिल्कुल ये सच बोल रहा है, बिल्कुल 1% मतलब ये बात सही नहीं है जो इन्होंने बोल रही है, ये उस वक्त जो चल रहा था उसके हालात से, लेकिन आज चल क्या रहा, आज भी देखो ना इन्होंने भी हद कर दी है, इन लोगों ने जो आज की इनके हाथ में राज है, हिंदुत्व के हाथ में राज है, इनके जो शैतानों के हाथ में राज है, ये क्या कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं मुसलमानों के घरों पर और दंगे करवा रहे हैं, एक दो अगर सिखों के हितेशी बन रहे हैं, 750 जो सिख आंदोलन हुआ था यहाँ पर, जो किसानों का आंदोलन हुआ था 750 सिख मारे गए, उसमें शहीद हो गए हैं, उनका मुआवजा इसने दिया गया, एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया है, तो अभी ये बकवास मार रहा है, फालतू की ड्रामेबाजी करते हैं, तो इनकी बातों में तो सिख तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा कोई, लेकिन भोले भाले सिख हैं वो आ जाते हैं इनकी बातों में, वैसे पहले जो बिकाऊ जो है वो क्या नाम है संत भिंडरावाले कहते थे उनको, सिख भी दो कई प्रकार के होते हैं, तो वो लाइट टोन में कहते थे कोई देवी का सिख है, कोई किसी का सिख है, कोई किसी का सिख है, वो फिर इंदिरा गांधी कहते थे कोई चपली के सिख भी हैं, तो चपली के सिख कहते थे उनको जो मतलब चाटुकारिता करते हैं, तो चाटुकारिता करने वाले इनके पास में सिख बहुत सारे हैं, वो सिख नहीं है, गुरु के सिख नहीं है, गुरु के सिख ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने साफ कह रखा है, जब लग खालसा रह नहीं आ रहा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब ये गहे विपरन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत, कि मैं तो इनकी प्रतीत कर रही नहीं है, ब्राह्मण की रीत में चले जाना है, जब तो तेज तब तक मिलता है गुरु का जब तक उसको, जब तक खालसा अलग है। तो आगे सुनिए क्या कहते हैं। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी, औरंगजेब की आततायी सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर एक चट्टान बनकर इसका झूठा प्रचार करते हैं, इन लोगों ने झूठा प्रचार कर करके अपने आप तो गुमराह किया, अपने आप को तो गुमराह किया इन लोगों ने, बहुत लोगों को गुमराह किया है इन लोगों ने, अपने आप के अपने जो चेले चपाटे इनके है जो आने वाले जो सीख रहे हैं इनसे कुछ, वो भी गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे को गुमराह करता है वो अपने आप भी गुमराह होता है खुद पहले, फिर वो अपने जो है उनको गुमराह करता है, तो ये शैतान की पूछ मानेंगे नहीं है। तो सुनिए क्या कहते हैं। खड़े हो गए इतिहास गवाह है, ये वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सीरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका। बिल्कुल सही बात है, गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी है और मुस्लिमों के लिए नहीं दी, उन्होंने इनके लिए नहीं दी थी, उन्होंने मानवतावादी शहादत दी थी, अब ये मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं मोदी सरकार या जो आरएसएस की जो गुंडा सरकार है, ये भी चाहे ये पैर से लेकर के सिर तक का जोड़ लगा दे उनकी आस्था को नहीं तोड़ सकते और ना ही सिखों को गुमराह कर सकते हैं, ये भी गारंटी के साथ है कि सिखों को ना सिख इनसे गुमराह होंगे ना सिख मुसलमानों के साथ लड़ेंगे, ये भी पता है कि सिखों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में ये कर रहे ड्रामाबाजी कर रहे हैं,
तो ये बिल्कुल सही बात है कि उस वक्त अगर आप लोगों को सिखों के गुरु ने बचाया था उस वक्त मुसलमान जो उसमें मुस्लिम सारे गलत नहीं थे। उस टाइम औरंगजेब ने अपने बाप को मारा, उसमें बहुत सारा हो सकता है कि राजा गलत था। राज तो जितने भी राजा हैं वो सबके सब ऐसे ही रहे हैं, लेकिन जो राजा असली राजा थे वो ना महाराजा रणजीत सिंह जी आए थे। महाराजा रणजीत सिंह आए तो उनके राज में ना तो गरीबों को परेशान किया गया ना अमीरों को परेशान किया गया, लेकिन इन शैतानों के राज में क्या कर रहे हैं ये जो ये वहाँ मुसलमानों की जो बस्तियाँ तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। अगर काश गुरु तेग बहादुर जी आज होते तो मुसलमानों के हक में खड़े होकर के मुसलमानों के लिए बलिदान देते आप, इनके लिए बलिदान नहीं देते। बल्कि वो तो एक जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सिखों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती थी पहले भी और हमेशा उठती है और हमेशा उठती रहेगी। जुल्म को खत्म करने के लिए आवाज उठाते हैं। आगे सुनिए क्या कहते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी। अभी ऐसे ऐसे शैतान बैठे हैं ये बहुत सारे, मतलब बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है सिखों को भी लग रहा होगा, मुसलमानों को भी लग रहा होगा, उन लोगों को भी, सिख तो बहुत सारे इनके साथ में खड़े हैं। अब भाई जैसे मुसलमानों में बिकाऊ माल है, सिखों में भी बहुत सारा बिकाऊ माल है, और बिकने वाले की औकात चाहे 100 रुपये में बिका हो या 100 करोड़ों में बिका या 100,000 करोड़ों में बिका हो, उसको एक कुत्ते जैसी औकात होती है। तो इनके सामने जो बिके हुए लोग हैं उनकी कुत्ते के जैसी औकात है, जैसे खुजली वाला कुत्ता घूमता ना बाहर, ऐसी उनकी औकात है। लेकिन क्या है कि ये ड्रामेबाजी करते हैं, जहाँ इनको लगता है कि कहाँ पर फ़ायदा होने वाला है इन लोगों को, वहाँ से ड्रामेबाजी करते हैं। अब ये अपने फ़ायदे के लिए तो करोड़ों नहीं अरबों खरबों खर्च कर देंगे, लेकिन दूसरे के फायदे के लिए 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे ये। अभी इन्होंने जो ड्रामा किया है लाल किले पर, तो ये ड्रामा इनको मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये ऐसा सोच रहे होंगे कि सिखों को गुमराह कर देंगे। भाई सिखों को गुमराह करना इतना आसान नहीं है। आप लोगों ने जो झूठा प्रचार किया, वो झूठे प्रचार से आप खुद गुमराह हो गए, अपनी पीढ़ी को गुमराह कर दिया आप लोगों ने, लेकिन सिख गुमराह नहीं होंगे, ना ही मुसलमानों को कुछ कहने वाले हैं कि मुसलमान तो जो 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 राजे महाराजे थे वो उनके साथ में लड़ाई, उनकी साथ मती कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो आजकल के जो वो मुसलमान वो ये गलती इनकी थोड़ी है। वो तो गुरु नानक साहब में भाई मर्दाना जी रहे साथ में, गुरु अर्जन साहब जी ने भाई साईं मियां मिर से नींव पत्थर रखवाया है, तो मुसलमानों की तो दोस्ती पहले से चली आ रही। इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन अब गुरु तेग बहादुर ये बात बार बार बात करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को मुसलमानों ने कत्लेआम किया। भाई गंगू ब्राह्मण था वो पकड़वाने वाला कौन था, मुसलमान तो उसको छोड़ने वाले थे वहाँ पर, तो लेकिन गंगू ब्राह्मण ने उनको कत्लेआम करवाया और शहीद करवाया, और दूसरा सुचानंद भी था वहाँ पर। तो इन कुल मिला के बात यह है कि हिंदुओं की जो लड़ाई है, जो मतलब सिखों की जो लड़ाई है, वो जुल्म के खिलाफ है। चाहे वो हिंदू जुल्म कर रहे हैं तब भी लड़ेंगे, और चाहे मुसलमान पहले कर रहे थे या पहले उससे पहले बीच में जो अंग्रेज कर रहे थे जुल्म, सिखों की लड़ाई हमेशा ही जुल्म के खिलाफ रही है। और सिखों का गुरु गोबिंद सिंह जी का कहना है कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। अब जो दुष्ट हैं ये जो 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 गरीबों को परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, सिखों को परेशान कर रहे हैं, इनका नंबर भी कभी ना कभी आएगा। ऐसे तो है नहीं कि जो मतलब हिटलर गया और क्या नाम सिकंदर भी गया और मोदी योगी और ये मोहन भागवत भी चले जाएंगे, और राज करने वाले अच्छे दिनों मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी राज करने आएंगे जरूर, लेकिन जाएंगे जरूर इतना मुझे पक्का पता। अभी अडानी अंबानी भी हैं, ये भी शैतान की पूँछ है, ये भी मतलब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि अडानी अंबानी ज़मीन को खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, खरीद कर कहाँ जाएंगे, कहाँ ज़मीन को खरीद सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं, ट्रेनों पर नाम लिखवा सकते हैं, जब मरेंगे फिर कहाँ जाएंगे। अगर ज़मीन को खरीद करके पेपर पर लिखवा करके आप यहाँ से चले भी जाएंगे, कहीं बादल मतलब इंग्लैंड में भाग जाएंगे, अमेरिका भाग जाएंगे, कनाडा भाग जाएंगे, कहाँ तक भागेंगे भागेंगे। अगर भाग कर भी जाएंगे तो ज़्यादा चांद पर चले जाएंगे, तो चांद पर से जब 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 मौत वहाँ भी नहीं छोड़ेगी फिर कहाँ जाएंगे। जब वो पेपर को तो हम जला कर राख कर देंगे, आज से ऐसी बात नहीं है, लेकिन मरेंगे तो सभी है। लेकिन क्या है कि जो इंसान अच्छा काम करता है दुनिया उसको याद करती है, जो गलत काम करता है थू थू करती दुनिया उनके ऊपर। तो मोदी योगी को हम सलाह देना चाहते हैं, अगर बुढ़ापे को सुधारना है तो अच्छे काम कर जाएं, नहीं तो दुनिया आपको कुछ मतलब कब्रों के ऊपर कुत्ते थूकते हैं ना, मतलब सुसू करते हैं, ऐसे आप लोगों के ऊपर सुसू करेंगे आने वाले वक्त में, कुत्ते भी बिल्ली जो भी है।
तो हम चाहते हैं कि इनकी जो भी जो सिख इनके साथ में दिख रहे हैं वहाँ पर खड़े, वो सब बिकाऊ माल है, वो सब मतलब किराए के टट्टू भी कह सकते हैं, इनको गधे भी कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि वो मतलब बिकाऊ माल है, तो बिकाऊ माल के ऊपर ज़्यादा विश्वास मत करने का कोई भी। हम चाहते हैं कि सभी के सभी सिख जो जो ST SC OBC के लोग हैं सभी मिलकर के रहें, और ये जो बुलडोजर चला रहे हैं दिल्ली में हम सब वॉच कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में कहाँ कहाँ बुलडोजर चलेगा इनके ऊपर भी चलेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपने रक्षा के लिए सभी के सभी भारतवासी अपने रक्षा के लिए सिर्फ दो दो फुट के डंडे अपने साथ में रखें, अपने बचाव के लिए, किसी को परवाह नहीं करने का, अपने बचाव के लिए दो दो फुट के डंडे रखें साथ में। जिस दिन ऐसा डिक्लेयर कर दिया ना लोगों ने, तो कोई भी इंसान किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, बस दो दो फुट के डंडे अपने साथ में रखे, 100-100 आदमी ऐसे खड़े कर दें। जिस दिन RSS के जो भगवादारियों की पिटाई शुरू होगी ना इस दिन, तो कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। तो इन नौटंकीबाजों की नौटंकी से सावधान रहें, इन मतलब मक्कारों की मक्कारियों से सावधान रहें, ये जो मक्कार लोग हैं इनसे सावधान रहें सभी के सभी। तो याद रखिए, मुसलमानों की दोस्ती और सिखों की दोस्ती बहुत 500 साल पुरानी है, ये हमेशा रहेगी, और इनको तोड़ने वाले मिट गए हैं और मिटते रहेंगे, ये भी चले जाएंगे। तो सिखों की दोस्ती है, जो सच्चे लोगों के साथ में दोस्ती होती है, और सिखों की लड़ाई जुल्म के खिलाफ थी पहले भी, आज भी जुल्म के खिलाफ है। तो इनसे सावधान रहें, और याद रखिए इस बात को कि हम गरीबों के हक में हैं और मजलूम के हक में हैं और शैतानों के खिलाफ हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे वॉइस ऑफ मानवता के जरिए। थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किया, नूरी फातिमा खान जी अपने कमेंट किया, इसके लिए शुक्रिया। गुरु नानक जी के आसपास सबसे ज़्यादा मुस्लिम वफादार मुसलमान थे, बिल्कुल वफादार क्या, वो मतलब सिखों के साथ में पहले से मुसलमानों का रहा है। तो इनकी जो झूठ है, ये झूठ बोल बोल कर दूसरे को गुमराह कर रहे हैं ना, ये खुद पहले गुमराह हो रखे हैं, इन्होंने अपने पीढ़ियों को सर्वनाश कर दिया, गुमराह कर करके झूठ बोलते हैं। तो झूठ अभी साम दाम दंड भेद, इनका जो भेद है वो इनको ही ख़त्म कर लगा, क्योंकि जो दूसरों का बुरा करता है उसका खुद का बुरा होता है, हमें इतना पता है। इनकी तो समाप्ति होने वाली 2024 तक, खुद ही इसमें नफरत की आग में जल जाएंगे। और याद रखिए कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।